नमस्कार, आप देख रहे हैं असम नॉर्थ ईस्ट न्यूज लाइव और इस वक्त की बड़ी खबर है असम के नौगांव में रकीबुल हुसैन को लेकर लोगों का प्रदर्शन जारी। सैकड़ों लोगों ने घरों से निकलकर प्रदर्शन किया है। कांग्रेस के सांसद रकीबुल हुसैन को लेकर अब नौगांव में प्रदर्शन देखा जा रहा है। असम के कई जगहों पर प्रदर्शन देखा जा रहा है। फिलहाल अगर बात कर लेते हैं असम के नौगांव जूरिया में, तो कांग्रेस नेता रकीबुल हुसैन को लेकर अगपा और बीजेपी के लोगों ने प्रदर्शन किया है। असम गण परिषद और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन करते हुए रकीबुल हुसैन मुर्दाबाद और रकीबुल हुसैन की पुतला भी जलाया है। इन लोगों ने कहा है कि रकीबुल हुसैन ने असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा को गौ मांस को लेकर एक मंतव्य किया था, जिसके बाद से अल्पसंख्यकों के लिए गौ मांस बंद करने का बात चल रहा है और रकीबुल हुसैन इसके जिम्मेदार है। साफ तौर पर आपको बता दें, नौगांव के जूरिया में रकीबुल हुसैन को लेकर लोगों का प्रदर्शन, रकीबुल हुसैन के पुतला भी लोगों ने जलाया है। उधर असम के विभिन्न जगहों में रकीबुल हुसैन द्वारा दी गई गौ मांस के बयान को लेकर निंदा की जा रही है। ऐसे में असम के नौगांव जिले के जूरिया में धुबरी के सांसद और कांग्रेस के कद्दावर नेता कहे जाने वाले रकीबुल हुसैन को लेकर लोगों में प्रदर्शन देखा जा रहा है। आइए सुनवाते हैं लोग क्या कह रहे हैं। শান্তি দিয়া নহব, একমাত্র পুত্র কিছু শিকাব নোৱাৰাৰ কাৰণে, পুত্রক মুসলমানে ভোট দি দিয়াৰ কাৰণে এই রাজনীতি করিলে, আর এই রাজনীতি করে আমার মুসলমানের খাদ্য নিহিত ঘোষণা করাইছে। একমাত্র রকিবুল হোসেন দায়ী জাতি ডাঙরিয়ার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিম আর গোটেই অসম জুড়ি আমি ইতিমধ্যে প্রতিবাদ আরম্ভ করিম। আমি রকিবুল হোসেন ডাঙরিয়াক ইতিমধ্যে মিডিয়ার যোগে আমার সেই সমিতির মাধ্যমে কি মন্তব্য করলে সামাজিক একমাত্র খালি তো গোটেই কিনার পর হারি যাওয়ার কারণে রাইজে ভোট দিছে, এই তো মুসলমানে খালি অকলে ভোট দিতে চাইছিল, আর হিন্দু মানুষ নাই, বেলেগ মানুষ নাই, সকলে মানুষে তারপরে তেলুক উৎখাত করব বিচারিছে, তার কাম সকল সংখ্যালোক রাইজে কিয় ভুগিব লগা হয়েছে আজকাল। খবরৰ আৰৰ খবৰ।
ब्रेकिंग और हुलस्थुलर मजत रही जा समाज नेतिबाचक बहु खबर राजनीतिर पर समाज नीति खेल जगतर पर कृषि खंड छवि जगतर पर सहित चर्चा बरा ब्रह्मपुत्र उत्तर पूबर सतभनी सामरी संबद जगत नतून संयोजन नर्थ इस्ट न्यूज लाइव 24x7।